लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड में न्याय का प्रभात होने वाला है। उम्मीद तो यही है कि प्रभात होगा, या फिर जैसे 6 बार आखिरी सुनवाई टाली गई उसी तरह का असर फैसले पर भी दिखेगा। अगर शायद ऐसा हो भी तब यही कहा जाएगा कि न्याय रसूख के अंधेरे में दफन हो गया। मामले की सुनवाई आज यानी 10 नवंबर को MPMLA कोर्ट में होगी। अदालत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकती है। इस हत्याकांड में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी हैं। लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित हत्याकांड प्रभात गुप्ता मामले में आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना है। लोगों की निगाहें आज कोर्ट के फैसले की तरफ टिकी हुई हैं। 8 जुलाई 2000 में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, नाम सामने आया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का, साथ ही 4 अन्य लोग। निचली अदालत ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया था, तो वहीं आज मामले में अंतिम सुनवाई है। देखना ये है कि क्या प्रभात गुप्ता मामले में न्याय का बिगुल बजेगा या नहीं। 2000 में हुए इस हत्याकांड के 4 साल बाद यानी 2004 में सभी आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए थे। इसके बाद मार्च 2018 में मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। फिर 14 साल की लंबी सुनवाई के बाद मार्च 2022 में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। तब से अब तक 4.5 साल बीत चुके हैं और आखिरी सुनवाई अभी तक नहीं हो सकी थी। 5 अप्रैल 2022 को कोर्ट की बेंच ने 16 मई 2022 को सुनवाई की आखिरी तारीख मुकर्रर भी की थी। तब से 7 तारीख और बीत चुकी है, लेकिन सुनवाई टलती जा रही थी, जिसके बाद आखिरी बार फिर 10 नवंबर की तारीख दी गई थी। आपको ये बता दें कि अजय मिश्र टेनी ने मुकदमे को ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे CJI ने खारिज कर दिया था। फैसले को लेकर सभी की निगाहें सुनवाई पर टिकी हुई हैं। 14 साल का लंबा इंतजार, 6 बार सुनवाई का टाला जाना, तो वहीं आज कोर्ट की तरफ से मामले की अंतिम सुनवाई है। देखना ये है कि क्या प्रभात हत्याकांड में प्रभात गुप्ता को न्याय मिलेगा या फिर हर बार की तरह न्याय के नाम पे अगली तारीख दे दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर। UP और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।